हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। आज बहुत ज़्यादा आंधी या बारिश आई है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने वीडियो बना ली थी। और हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है देवीसा ज्योति ब्लॉग में। देखिए यहाँ पर मैं आम को धो लेती हूँ। रात आंधी और बारिश जो आई थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा आम गिरा है, तो मैं उठा करके लाई हूँ सुबह में। तो मेरा झाड़ू पोछा सभी काम निपट गया है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे, और मेरा झाड़ू पोछा सभी काम हो गया है, बस नहाना रह गया है। तो मैं सोची नहाने से पहले इसमें मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, तो मैं आम को धो ली हूँ। और उसके बाद मैं नहाने के बाद मैं नाश्ता वगैरह सब कर ली थी। वो तो नहाने से पहले का वीडियो था जो दिखाई थी आपको। और नहाने के बाद मैंने नाश्ता कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में एक दो बर्तन पड़े हुए थे, जो दूध का था वो फूलने के लिए छोड़ दिए थे, और चाय का था, तो उसको मैं धो ले रही हूँ। उसके बाद मैं अब खाना में तैयारी कर लूँगी, खाना बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि लंच की टाइम हो गई है, मतलब 11 बज गया है। तो अब लंच की तैयारी कर लूँगी फटाफट। तो किचन में मैं आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं दाल को चढ़ा दूँगी पकने के लिए, और चावल बनाऊँगी, और लंच में आज करेला की भुजी बनाऊँगी। तो देखिएगा, क्योंकि अभी 11 बजने वाला बज गया है, तो अब खाना मैं शुरू कर दूंगी बनाना। तो देखिए मेरे बर्तन धुल गया है, और नाश्ता के बर्तन तो पहले मैं धो चुकी थी, जब पानी आ गया था तभी मैं धो ली थी। और अभी थोड़ा सा ये दूध वाले जो भगोने थे ना, तो थोड़ा फूल जाता है तो जल्दी छूट जाता है, और चाय वाला जो भगोना होता है तो पानी में डाल करके छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं अब धो लेती हूँ इसको, और उसके बाद मैंने सब अपने सिंक को सफाई कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद मैं चलती हूँ लंच की तैयारी करूँगी, मतलब कि दाल चढ़ा दूँगी धो धा के। और सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था सब करके, अपना कॉलेज 10 बजे चल गया है वो, और बस सुबह के पापा 12 बजे आ जाएंगे। लंच में तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकर को ले लिया है, इसमें दाल को डाल दूँगी या धो लूँगी अच्छे से। ये दाल मैंने मिक्स करके रखी थी, अभी जो आपको दिखाई थी परसों वीडियो में, जिस दिन हमने किचन सफाई किया था, तो ये दाल जैसे मिक्स करके जब रखती हूँ ना, तो पूरा डब्बा भर गया था, तो थोड़ा सा बच गया था, तो ये दूसरे डब्बे में मैंने रख दी थी, तो आज ख़त्म हो गया। और बस दाल में हल्दी और नमक डाल के मैं उबाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाद में जब पक जाएगा उसके बाद तड़का लगाऊँगी। तो हल्दी डाल दिया है, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई को गरम कर दिया है, इधर गरम होने के लिए कम धीमी आंच पे चढ़ा के छोड़ दिया है, और जब तक हमारी कढ़ाई गरम होगी जब तक मैं करेला के भुजी काट लूँगी, क्योंकि करेला धो धा के मैंने पहले से रख लिया था, प्याज भी छील लिया था, करेला भी धो लिया था। आज सिंपल खाना बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी लगती है, तो किचन में नहीं काटूँगी, अब चल के पंखा में बैठ करके काटूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे किचन में। तो चलती हूँ पंखा में लेकर के आपको, और वहीं काट के दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जो कि सोफ़ा वाला कमरा है, तो यहीं पे मैं मेज़ पे रख के काट लूँगी पंखा में, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गया है, चिपचिपी वाली गर्मी किचन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं गर्मियों में ना इसी तरीके से काम करती हूँ, जैसे कि कुछ भी काम होता है तो किचन में मैं करती हूँ, फट से फिर पंखा में आ जाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर पंखे में आ जाती हूँ, तो इस तरीके से मेरा काम होता है गर्मियों में। और साग सब्ज़ी तो मैं पंखे में ही बैठ के काटती हूँ, किचन में तो बिल्कुल भी खड़ा होकर नहीं काटा जाता है गर्मी के मारे ना। तो रोटी में तो चलिए ठीक भी है कि खड़ा होकर बनाना पड़ता है, लेकिन सब्ज़ी वगैरह ये सब है तो अपना इधर भून रहे हैं सब्जी, चाहे चढ़ा रखे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए पंखा में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं तो गर्मियों में इसी तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि जैसे अब सब्जी को मैंने छिमक दिया है, उसके बाद फिर पंखा में मैं चली जाऊंगी, सब्जी को ढक दूंगी धीमी आंच करके जब तक पकेगा, उसके बाद फिर मैं आ करके देखती रहूंगी बार बार, मतलब देखने पड़ता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो तो सब्जी फिर जल जाएगी, मतलब हर एक एक मिनट पे आके देखने पड़ता है, चाहे चावल हो या सब्जी हो। दाल तो मेरी बन गई है कुकर में, तो देखिए हमने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, हमने इसमें राई डाला है, मतलब सरसों ही डाला है इसमें, तड़का में जीरा वगैरह नहीं डाला मैं, करेला में ना सरसों का ही तड़का लगाती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए और इस तरीके से बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। तो देखिए इसको धीमी आंच करके बिल्कुल मैंने ढक दिया है, और ये जब तक पकेंगे, जब तक मैं फिर पंखा में चली जाऊँगी,
और अभी मैं चावल भिंगोने जा रही हूँ, चावल भिंगो देती हूँ जब तक हमारा अधन खोलेगा पानी, मतलब खोलेगा चावल के, जब तक चावल थोड़ा सा फूल जाएगा 5 मिनट के लिए। तो देखिए चावल को भिंगो करके मैं रख दूँगी, और इधर मैंने गैस को पकड़ा रखा है, चावल वाला भी गैस जल रहा है और कुकर वाला तो बंद हो गया, इधर करेला के सब्ज़ी बन रहा, तो इसको भी धीमी आँच करके और फिर से ढक दूँगी। नमक अभी नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी, और उसके बाद प्याज को काट लूँगी पंखा में बैठ करके, जब तक धीमी आँच पे पक रहा है करेला, जब तक मैं प्याज काट लूँगी पंखा में ही बैठ करके। मैं किचन में नहीं करती हूँ काम कुछ भी, मैं पंखा में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, मुझे क्या हर किसी को भी गर्मी लगता है, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ता है, औरतों को यही काम है, क्या कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ गर्मियों में ना, कि मैं हर एक मिनट के लिए पंखा में चली जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ वहाँ से। वो है कि ध्यान रखने पड़ता है, छोड़ने नहीं पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है, आराम से खाना बन जाता है। और दाल चावल सब्जी तो इजी है, बस रोटी में थोड़ा खड़ा होकर सेंकने पड़ता है, नहीं तो रोटी जल्दी जल जाती है। तो देखिए अब हम प्याज आधा, जैसे करेला हमारा पक गया था तो हमने इसमें प्याज को डाल दिया है, 2 बड़े साइज का प्याज हमने काट लिया था लंबे आकार में, आए दोनों को डाल के साथ में अब भूनेगा। अगर एक साथ प्याज डाल देंगे तो प्याज जल जाता है पहले, तो आधा करेला जब भुना जाता है उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ, और नमक डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार, और बस अब थोड़े देर में करेला की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इधर हमारा चावल भी जब तक पक रहा है और दाल बन गया है, दाल में तड़का लगाना रह गया है। तो दाल में तड़का तो मैं हींग, जीरा, मिर्च, लहसुन और प्याज से लगाती हूँ। और आजकल तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होने लग गई है। यहाँ पे बारिश हुआ है लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा गर्मी में, गर्मी वैसा के वैसा ही रह गया है, बल्कि और ज़्यादा उमस होने लग गया है, जब बारिश होती है उसके बाद और ना उमस हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरीके से मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया है, बंद कर दूँगी 2 मिनट बाद गैस को, और इधर चावल भी बन रहा है हमारा, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने सुबह आम धोई थी उसको मैंने पंखे में रख दिया है, और थोड़ा आम मैंने काट के बाहर डाल दिया है अचार के लिए, इसको मैं हींग के अचार डालूँगी या थोड़ा मीठा चटनी भी बनाऊँगी, तो इसको तो अभी छीलना पड़ेगा। और देखिए बाहर मैंने आम थोड़ा काट के अचार के लिए डाल दिया है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।